जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है, तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम गाना गाकर उस जिंदा परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं, इसलिए आप भी गाने में भाग लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 2 गाना नंबर 5 मेरे लिए एक दोस्त है। पन्ना नंबर 2 गाना नंबर 5 मेरे लिए एक दोस्त है। मेरे लिए एक दोस्त है वह स्वर्ग से आया है। मेरे लिए एक दोस्त है वह स्वर्ग से आया है।
से आया है। दोस्त ने हमें प्रवचन दिया, वह जीवन की रक्षा है। दोस्त ने हमें प्रवचन दिया, वह जीवन की रक्षा है। मेरे लिए पन्ना नंबर 5 गाना नंबर 10 बजा के ताली गाओ रे। पन्ना नंबर 5 गाना नंबर 10 बजा के ताली गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्ति से गानुनी का गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्ति से गानुनी का गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे,
के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्ति से गानुलिका गाओ रे, बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्ति से गानुलिका गाओ रे, हालेलुया पन्ना नंबर 14, गाना नंबर 31, यीशु तू है महान। पन्ना नंबर 14, गाना नंबर 31, यीशु तू है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। यीशु तू है महान, मेरे लिए है महान। महान।
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 49, गाना नंबर 112, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए। पन्ना नंबर 49, गाना नंबर 112, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए। सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया 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 प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया, 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 41, गाना नंबर 93, हम सब के आंसू। पन्ना नंबर 41, गाना नंबर 93, हम सब के आंसू। हम सब के आंसू मिटाने को राजा अधिराजा आ जाता है, हम सब के आंसू मिटाने को राजा अधिराजा सबके आंसू मिटाने को राजा अधिराजा आ जाता है, रोगों से जब क्षीणित हो तो रोग शय्या में
पन्ना नंबर 42, गाना नंबर 97, वंदना करते हैं। पन्ना नंबर 42, गाना नंबर 97, वंदना करते हैं। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते
पन्ना नंबर 48, गाना नंबर 109, यीशु का नाम है। पन्ना नंबर 48, गाना नंबर 109, यीशु का नाम है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाके उधार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाके पाते उठा। हालेलुया।
पन्ना नंबर एक गाना नंबर तीन विजयी हुआ। पन्ना नंबर एक गाना नंबर तीन विजयी हुआ। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। हरा हुआ मेरा यीशु विजयी हुआ।
हालेलुया हालेलुया। महिमा गाइब प्रभु येशु के, खुशियाँ मनाइब नचे गाई के। महिमा गाइब प्रभु येशु के, खुशियाँ मनाइब नचे गाई के। महिमा गाइब प्रभु येशु के, खुशियाँ मनाइब नचे गाई के। महिमा गाइब प्रभु येशु के, खुशियाँ धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। भैया
मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्तुति आराधना में दिल से भाग ले लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस जिंदा परमेश्वर के पास आ जाओ, वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जिसने आपको और मुझे बनाया है, उस जीवित परमेश्वर के चरणों के पास आ जाओ और इस समय केवल उसी का और उसी का ध्यान रखो, केवल उसी के बारे में सोचो। वो परमेश्वर जिसे बाइबल कहती है वो अविनाशी परमेश्वर है। उस अद्भुत परमेश्वर को, उस पिता परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दो। बाइबल उसके विषय में कहती है कि वो सेनाओं का यहोवा है, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। सच में वो इतना महान परमेश्वर है, उसकी महानता के बदले उसे हृदय से धन्यवाद दो। पूरे दिल से कहो, पिता परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, पिता परमेश्वर मैं तेरी स्तुति करता हूँ। पूरे दिल से उसकी स्तुति करो, उस पिता परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाओ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला, समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वादे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो पिता परमेश्वर
जो सच में सेनाओं का यहोवा है, जो समुद्र को दो भाग में बांटने वाला परमेश्वर है, जो चट्टान से पानी निकालने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारा पिता है। उसे हृदय से धन्यवाद दो। वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, इसीलिए तो उसने समुद्र को दो भाग में किया, चट्टान से उसने पानी निकाल कर दिखाया। उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, वो सब कुछ संभव करने वाला पिता है। उसे हृदय से धन्यवाद दो पिता परमेश्वर को, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को निर्माण किया, जिसने मनुष्य जात को निर्माण किया। सोचिए ये सूरज जो उस परमेश्वर ने निर्माण किया है, 6,000 साल हो गए ये सूरज आज तक इस धरती पर प्रकाश दे रहा है, इसका प्रकाश कभी कम नहीं होता। क्या उसके प्रकाश के लिए बदले हमें कोई बिल नहीं भरना पड़ता? ये अखंड हमें प्रकाश दे रहा है और इसकी प्रकाश के वजह से हम धरती पर अच्छे से चल सकते हैं, सब कुछ हम देख सकते हैं। और आज इस सूरज के प्रकाश का कितने बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है, इसके बदले उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो। ये सूरज जो हम आग का गोला देख रहे हैं, ये तो केवल परमेश्वर का एक छोटा सा अंश है जो उसने बोला और पृथ्वी पर आकाश में निर्माण हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे दुनिया में न जाने कितनी चीजें हैं जो परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से निर्माण की है, और वो केवल उसने अपने शब्दों से निर्माण की है। इसीलिए उसे हृदय से धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो। देखिए उसने हम जैसे मनुष्य जात को निर्माण कर दिया, हमारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक उसने हमें हर एक अवयव से, हर एक अंग से परिपूर्ण बनाया है। हम अच्छे से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, हमारे हाथ पैर काम करते हैं, हमारा दिमाग काम करता है, हमारे दिल की धड़कन काम करती है, हम अच्छे से श्वास ले सकते हैं, हम सब कुछ महसूस कर सकते हैं। ये परमेश्वर ने हमारे शरीर में सारी प्रक्रिया को शुरू रखा है, इसीलिए उसे हृदय से धन्यवाद दो, उसकी महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे लिए ये सुंदर आकाश निर्माण किया, तूने हमारे लिए पृथ्वी निर्माण की, तूने हमें अपने हाथों से निर्माण किया। इन सब के बदले हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया जीवन नया, तूने दिया जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। और अभी उस परमेश्वर के नज़दीक आ जाइए,
अब हम उस परमेश्वर के प्यार की गहराई को देखेंगे। वो इतना गहरा परमेश्वर उसका प्यार है कि हम उसे समझ नहीं सकते। उस परमेश्वर ने सब कुछ निर्माण किया, उसने इंसान के लिए सब कुछ बनाया, पर देखिए जब ये इंसान पाप करने लगा, मनुष्य जात पाप करके डूबने लगी और उस परमेश्वर से दूर होने लगी, तब उस परमेश्वर ने अपने पास था नहीं था वो सब कुछ देकर इस दुनिया के इंसान को बचा लिया है और उसने अपना सब कुछ दिया उस बेटे के द्वारा। वो प्रभु यीशु के द्वारा आज हमारे जीवन में सब कुछ आ गया है, इसीलिए उसे धन्यवाद दो। वो प्रभु यीशु स्वर्ग का वैभव छोड़कर इस धरती पर आ गया। इतना ही नहीं, उसने हमारे लिए हमें चंगाई मिल जाए, हम बीमारी से छुटकारा पा जाए, हम दुख से छुटकारा पा जाए, शैतान की गुलामगिरी से हम बाहर निकल जाए, शैतान के साढ़े साथी और पनवती से जो हमारे जीवन में चल रही थी उन सब से बचाने के लिए उस प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में दखल दिया। वो प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ गया, इसीलिए उसे हृदय से धन्यवाद दो। और देखिए उसने इस दुनिया में कृपा लाई, अनुग्रह उसकी वजह से मिल गया, कृपा उसकी वजह से हमारे जीवन में आ गई, दया परमेश्वर से उसकी वजह से हमें मिल रहा है। और इतना ही नहीं, वो हमारे और शैतान के बीच में खड़ा हो गया, और जो हम दुर्बल इंसान उस शैतान से लड़ नहीं सकते थे, पर देखिए वो प्रभु यीशु हमारी तलवार बनकर उस दुष्ट शैतान से लड़ रहा है और वो हमें बचा रहा है। वो स्वर्ग के रास्ते पर हमें लेकर जाने के लिए वो हमारे लिए लड़ रहा है, इसलिए उस प्रभु यीशु को धन्यवाद दो, उसे धन्यवाद दो। और देखिए वो प्रभु यीशु जो क्रूस पे चढ़ गया है, ये क्रूस ही हमारा जीवन है। वो श्रापित क्रूस पे मर गया, इसीलिए हमें आशीर्वादित जीवन मिल गया। उसे धन्यवाद दो, उसे धन्यवाद दो। वो तड़पाया ना जाता तो आज हमारे जीवन में शांति नहीं मिलती। उसके शरीर पर अगर जख्म नहीं बनते तो आज हमारे जख्मों को पोछा ना जाता। हमें चंगाई मिल जाए, इसीलिए उसने मार खाई है। उसका कोई अपराध नहीं था, वो तो निष्पाप और पवित्र था, पर हमारे लिए उसे दो चोरों के बीच में टांगा गया है। उस प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए, उस प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए, उसके नाम की महिमा कीजिए। हालेलुया, स्तुति करेंगे यीशु जी की, स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे यीशु जी की, स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुझे याद करेंगे, सदा ही स्तुति करेंगे, और सदा तुझे याद करेंगे। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जिएंगे, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए। हालेलुया, स्तुति करेंगे यीशु जी की, स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे यीशु जी की, स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र करके मुक्ति
मुक्ति भी दे दिया। पाप मिटा कर पवित्र करके मुक्ति भी दे दिया। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 पूरी तरह से शांत हो जाइए और पूरी तरह से अपनी आत्मा को शांत कर लीजिए और आत्मा से उस परमेश्वर की आराधना कीजिए। अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाकर और केवल आत्मा की आँखों से उस परमेश्वर की ओर देखिए और कहिए, पिता परमेश्वर, दिल की गहराई से मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। आत्मा से मैं तेरी आराधना करता हूँ। तू मेरे जीवन में सब कुछ है। तेरी वजह से मेरे जीवन का अंधकार प्रकाश में बदल गया। सच में मेरा दिल केवल तेरे लिए प्यासा है। जब तू मुझे देखता है, जब तेरे वचन मेरे कानों में पड़ते हैं, तब मेरी प्यास बुझती है। सच में तू कितना अद्भुत परमेश्वर है। पूरे दिल से हम तेरी आराधना करते हैं, पूरे दिल से हम तेरी स्तुति करते हैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, करता रहूं मैं तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं भरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं, पुष्प पराग सा
झरता रहूं मैं प्यासा हिरण जैसे, ढूंढे है जल को ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो मेरे दिल में वास करे, तू जो मेरे दिल में वास करे, पाप से नित नित डरता रहूं मैं, पाप से नित नित डरता रहूं मैं प्यासा हिरण जैसे, ढूंढे है जल को ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे, ढूंढे है जल को ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस परमेश्वर के पास आओ, वो प्रभु यीशु जो सच में हमारा मालिक है, जो हमारा मुक्तिदाता है, जो हमारा शांतिदाता है, वो प्रभु यीशु देखिए क्रूस पर वो दुर्बल अवस्था में मर गया, पर वो सामर्थ्यशाली होकर फिर से तीसरे दिन जिंदा हो गया है। वो प्रभु यीशु जिंदा हो गया है, और वो आज 2000 साल बीत गए हैं, फिर भी वो प्रभु यीशु आज भी दुनिया भर में काम कर रहा है, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा वो दुनिया में काम कर रहा है। और आज जहाँ कहीं भी लोग पवित्र आत्मा को बुला रहे हैं, वो अपनी पवित्र आत्मा से लोगों को भरने के लिए तैयार है। इसीलिए पूरे दिल से आप जहाँ कहीं भी है, केवल पूरे दिल से उसे बुलाइए और कहिए, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ हमारे दिल में, आ जा हमारे दिल में, आ जा हमारे दिल में, तेरी सच्ची शांति से हमें भर दे, तेरे प्रेम से हमें भर दे, तेरे अनुग्रह से हमें भर दे, आ पवित्र आत्मा, 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 पावन आत्मा आ जा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे, पावन दे, बरसा दे अपनी कृपा, शांति मुझे दे दे।
अपना प्रेम बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे अपना दान, बरसा दे, बरसा दे पावन आत्मा, आजा दिल में मेरे शक्ति मुझे दे दे पावन आत्मा, आजा दिल में मेरे शक्ति मुझे दे दे पावन पावन आत्मा, आजा दिल में मेरे मुक्ति मुझे दे दे, मुक्ति मुझे दे दे, मुक्ति मुझे दे दे। स्तुति आराधना खत्म हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबिल होगा तो उसे खोल दीजिए। लुका का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 9, लुका का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 9 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान के रूप में इस धरती पर था, तब वो गांव-गांव में, नगर-नगर में जाकर परमेश्वर के अद्भुत कामों को लोगों के सामने दिखाता था। हर गांव में, हर नगर में जाकर वो लोगों के सामने परमेश्वर के कामों को पेश करता था और साथ ही साथ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार वो लोगों को बता रहा था। कुछ समय तक प्रभु ने ये काम किया और तब उसने अपने साथ रहने के लिए कुछ चेलों को चुन लिया था, जो चेले प्रभु के साथ ही हर जगह घूमते थे और किस तरह प्रभु अद्भुत काम दिखाता है, किस तरह वो परमेश्वर के वचन लोगों को बताता है, ये सारी बातों को चेले सुन रहे थे, देख रहे थे। कुछ समय पश्चात
प्रभु ने अपने चेलों को भी यही काम करने का अधिकार दिया और उनको भेजा, जाओ गांव गांव में, नगर नगर में जाओ, और जैसा काम वो कर रहा था, जिस तरह के अद्भुत काम वो दिखा रहा था और जैसा उपदेश वो लोगों को दे रहा था, वही काम करने के लिए प्रभु ने अपने चेलों को आज्ञा दी। और ये आज्ञा देते समय प्रभु ने उन वचनों में ये कहा कि वहाँ के बीमारों को अच्छा करो, यानी जिस गांव में या जिस नगर में तुम जाओगे वहाँ के बीमारों को अच्छा करो और उनको ये बताओ कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु जब धरती पर था उसने खुद ये काम किया, बाद में उसने अपने चेलों को भी वही काम करने के लिए बताया, और तब से लेके आज के दिन तक दुनिया भर में प्रभु यीशु का काम इसी तरीके से चल रहा है। यीशु के चेले लोगों को यीशु के नाम से चंगाई दे रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं, उनके जीवन में खुशी को, शांति को ला रहे हैं यीशु के नाम से, और साथ ही साथ उन्हें ये सुसमाचार बता रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। प्रभु ने अपने चेलों को बताया था वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनको बताओ कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु इज़राइल के देश में था और लोगों को उनके बीमारियों से छुटकारा, चंगाई दे रहा था, तब वो किस तरीके से दे रहा था? प्रभु लोगों को छूता था और लोग अच्छे हो जाते थे। कई बार हम देखते हैं कि उसने छुआ नहीं, बस शब्द बोला और उसके बोलने से लोग अच्छे हो गए, और कुछ बार हम ऐसा देखते हैं कि लोगों ने प्रभु को छुआ और वे चंगे हो गए। या तो प्रभु लोगों को छूता था या तो लोग प्रभु को छूते थे और चंगे हो जाते थे। कितने बार छूने का सवाल ही नहीं था, बस प्रभु शब्द बोलता था और उसके बोलने से लोग अच्छे हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए बाइबल में लिखा गया है कि प्रभु ने इतने सारे अद्भुत काम किए, इतने सारे कि वो सारे लिखकर रखना मुमकिन नहीं था। कुछ अद्भुत काम, कुछ चिन्ह और चमत्कार हमारी जानकारी के लिए नए नियम में लिखे गए हैं, पर सबके सब नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि उतना लिखना मुमकिन नहीं था। प्रभु के पास एक दो नहीं, 50-100 नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में भीड़ लगी रहती थी। और बाइबल गवाही देती है कि उसके पास आए हर मरीज को वो अच्छा कर देता था, हर बीमार को वो अच्छा कर देता था। और अच्छा करने का तरीका क्या था? एक तो प्रभु उनको छूता था और वे अच्छे हो जाते थे, या तो वे प्रभु को छूते थे और अच्छे हो जाते थे, या तो प्रभु शब्द बोलता था और वे ठीक हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम ये घटना पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक गांव में गया था, वहां पर एक कोढ़ी मनुष्य था। उसने जब प्रभु को देखा तब पुकार कर प्रभु से ऐसा कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। ये मनुष्य कोढ़ी था, अच्छा होना चाहता था, और उसने प्रभु से ऐसे कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। और बाइबिल कहती है प्रभु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जा। और जैसे ही प्रभु ने छूकर ये वचन बोला, तुरंत उसका कोढ़ निकल गया और ये मनुष्य अच्छा हो गया। यहाँ पर प्रभु ने उसे छुआ और ये अच्छा हो गया। हम दूसरी घटना में पढ़ते हैं जहाँ पर 12 साल से लहू बहने वाली एक औरत थी जो प्रभु को छूने की इच्छा से भीड़ में घुस गई थी। प्रभु के आसपास बहुत भीड़ थी और ये औरत जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, और लिखा गया है कि उसके पास जो कुछ था उसने इस बीमारी के ऊपर खर्च कर दिया था, पर उसकी बीमारी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ते जा रही थी। एक दुर्बल और कमजोर शरीर लेकर यह औरत वहां पहुंची जहां प्रभु था। प्रभु के आसपास इतनी भीड़ थी कि प्रभु तक पहुंचना उसके लिए मुमकिन नहीं था।
तो भी बड़ी इच्छा से वो उस भीड़ के अंदर गई और कैसे तैसे करके वो प्रभु के पास पहुंची। जब वो भीड़ के अंदर जा रही थी, वो अपने मन में बोल रही थी कि यदि मैं इसके वस्त्र के आंचल को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बस मुझे इसके वस्त्र को छूना है, मैं वस्त्र को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। ये परमेश्वर का पुत्र है, ये अंधों की आंखें खोलता है, ये गूंगे को बोलने की शक्ति देता है, इतना बड़ा सामर्थ्य उसके पास है। तो मुझे अपनी समस्या उसके सामने पेश करने की जरूरत भी नहीं है, मैं बस उसके वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल कहती है भीड़ के अंदर आकर वो कैसे तैसे प्रभु के पास पहुंची, पीछे से आ गई और उसने प्रभु के वस्त्र को हाथ लगाया, और जैसे ही उसने हाथ लगाया तुरंत उसके शरीर का लहू बहना बंद हो गया और 12 साल की पीड़ा से यह औरत अच्छी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। इस घटना में हम देखते हैं कि प्रभु ने उसे नहीं छुआ, बल्कि इस औरत ने विश्वास से प्रभु को छुआ और वो अच्छी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। हम और एक घटना पढ़ते हैं जहां पर लिखा गया है कि प्रभु यीशु के पास कुछ लोग आ गए और वो उसको ऐसा बता रहे थे कि हमारे यहाँ पर एक अधिकारी मनुष्य है जिसका एक लाडला नौकर बहुत बीमार हो गया है, तो तुम आकर उसको चंगा कर दो क्योंकि ये बहुत भला और अच्छा मनुष्य है। प्रभु उठा उनके साथ जाने के लिए उस मनुष्य के घर जहाँ पर उसका नौकर बिस्तर पे लेटा था, बीमार हालत में था और मरने पर था, उसे अच्छा करने के लिए प्रभु जाने के लिए निकला। पर जब इस अधिकारी मनुष्य को घर में पता चला कि प्रभु मेरे घर आ रहा है, तब उसे बहुत अचंभा हो गया और उसने तुरंत कुछ लोगों को आगे कहने के लिए भेजा, प्रभु जी मेरे घर में मत आ जाओ, तुम मेरे घर में आए इसके लायक मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मेरे इतने लायक ही नहीं है कि तुम मेरे घर आ जाओ, तुम जहाँ कहीं हो वहाँ से एक शब्द बोल दो तो मेरा नौकर यहाँ अच्छा हो जाएगा। उन लोगों ने प्रभु के पास जाकर बताया जहाँ प्रभु आधे रास्ते में था और इस मनुष्य के घर पे आ रहा था। आधे रास्ते में ही उन लोगों ने रुकाया और प्रभु से कहा आप जिसके घर जा रहे हैं उसने हमको आपको कहने के लिए भेजा है कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप मेरे घर पे आ जाए, आप बस एक शब्द बोल दो तो मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। उसका विश्वास देखकर प्रभु को बड़ा आश्चर्य हो गया और जब प्रभु ने वचन बोला, बाइबल कहती है उसका नौकर जो घर में था वहीं पर अच्छा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ ना प्रभु ने उस मनुष्य को छुआ था, ना उस बीमार ने प्रभु को छुआ था, प्रभु तो बहुत दूर था और वहां से उसने शब्द बोला और घर में यह मनुष्य अच्छा हो गया। हालेलुया, ये प्रभु का चंगाई करने का तरीका था। और बिल्कुल इसी तरीके से प्रभु ने अपने चेलों को भी भेजा, जाओ बीमारों को अच्छा करो और उनको बता दो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमें बीमारी होती है उससे बाहर निकालने के लिए जो एक साधारण रास्ते होते हैं, जो कोई साधारण इलाज चलता है वो हम जानते हैं, पर प्रभु ने जिस तरीके से लोगों को अच्छा किया ये बिल्कुल एक अनोखा तरीका था। प्रभु लोगों को छूता था, या तो लोग प्रभु को छूते थे या तो प्रभु चंगाई का वचन बोलता था और लोग अच्छे हो जाते थे। ये बिल्कुल अनोखा तरीका है जिसके बारे में दुनिया अनजान है। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें इस बात को समझना है कि ये साधारण तरीका नहीं है, ये तरीका धरती का नहीं है, ये मानवीय तरीका नहीं है, बल्कि ये दैवी तरीका है, ये स्वर्गीय तरीका है। एक तो प्रभु लोगों को छूता है, या तो लोग प्रभु को छूते हैं या तो प्रभु वचन बोलता है चंगाई देने का और लोग अच्छे हो जाते हैं। यदि कोई मनुष्य इस तरीके से, यानी दुनिया के जो साधारण रास्ते हैं जो सब लोग जानते हैं, उस तरीके से नहीं बल्कि प्रभु के असाधारण रास्ते से, असाधारण तरीके से यदि कोई चंगाई पाता है, असाधारण रास्ते से यदि किसी की बीमारी निकल जाती है और वो मनुष्य अच्छा हो जाता है, तो उसके लिए ये बात समझना जरूरी है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। हालेलुया, हालेलुया।
बीमारियां तो दुनिया भर में है और शायद ऐसा मनुष्य आपको नहीं मिलेगा जिसने अपने जिंदगी में कभी कुछ बीमारी का अनुभव नहीं किया हो। हर एक को कुछ ना कुछ बीमारी का अनुभव आता ही है और यदि बड़ी बीमारी ना हो तो कम से कम बुखार या सर दर्द या सर्दी, ये तो बीमारी साधारण लोग सब लोग अनुभव करते हैं। और बीमार होने के बाद जो चंगाई के तरीके होते हैं, किस तरीके से इलाज करना होता है, क्या करना होता है, ये भी हम सब अच्छे से जानते हैं। पर प्रभु यीशु का तरीका बिल्कुल अलग था और इस तरीके से जो लोग चंगाई पाते हैं उनके लिए ये सुसमाचार है कि यदि परमेश्वर ने आपको साधारण माध्यम से नहीं, साधारण तरीके से नहीं, बल्कि असाधारण तरीके से आपको अच्छा कर दिया है, स्वर्ग के सामर्थ्य से आपको अच्छा कर दिया है, तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का राज्य आपके निकट आ गया है। प्रभु के वचन को जरा ठीक से देखो, प्रभु ने ऐसे कहा है कि उनको ऐसा बताओ कि परमेश्वर का राज्य जो तुम्हारे निकट आ गया है, ऐसा नहीं बोला है कि तुम परमेश्वर के राज्य के अंदर पहुंच गए हो, नहीं। प्रभु यीशु के द्वारा जो लोग विश्वास से चंगाई पाते हैं उनके लिए परमेश्वर का राज्य उनके निकट आ गया है, ऐसा नहीं है कि आपने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है। यदि आप सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, स्वर्ग के सामर्थ्य के द्वारा बीमारी से छुटकारा और चंगाई पाते हैं तो इसका साफ मतलब प्रभु के वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर का राज्य आपके नजदीक आ गया है। आप उस राज्य के अंदर नहीं पहुंचे हैं, राज्य आपके नजदीक आ गया है। अभी उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना या उससे बाहर रहना, ये फैसला आपके ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मनुष्य जिसे कैंसर की बीमारी हो चुकी है, बहुत इलाज हो चुके हैं और उसकी हालत दिन ही दिन बिगड़ते जा रही है, यदि उसको पता चला कि कहीं तो एक प्रार्थना सभा चलती है जहां प्रार्थना में लोग ठीक होते हैं, वो प्रार्थना में आता है, विश्वास से सारी बातों को देखता है कि कैसे लोग अच्छे होते हैं, कैसे लोगों की बीमारियां निकल जाती है, और फिर वो भी अपने मन में सोचता है कि क्यों मैं न विश्वास के साथ प्रार्थना करूं, इतने सारे लोग अच्छे होते हैं तो प्रभु मुझे भी अच्छा करेगा, वो मेरी भी बीमारी निकाल देगा, और फिर वो विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहता है। जब वो विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसके दिल के विश्वास को देखता है और विश्वास के अनुसार प्रभु उसके जीवन में काम करता है और उसे बीमारी से अच्छा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये मनुष्य परमेश्वर के द्वारा अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा चंगाई पाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का राज्य उसके बहुत नजदीक आ गया है। अभी फैसला उसके ऊपर है कि उसे उस राज्य में प्रवेश करना है या उसके बाहर रहना है। प्रभु ने साफ बताया है उनको, ये बताओ कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यदि तुम परमेश्वर के द्वारा चंगाई पा रहे हैं, यदि परमेश्वर के द्वारा तुम्हें छुटकारा मिल रहा है, यदि परमेश्वर के सामर्थ्य से तुम्हारे जीवन में कोई अद्भुत काम हो रहा है, इसका मतलब यह है परमेश्वर ने तुम्हारी याद की है, उसका राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, वो तुम्हारे नजदीक पहुंचा है। अभी उसके राज्य में प्रवेश करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर निर्भर है, उसका फैसला आपको खुद करना है। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मनुष्य को प्रार्थना में कैंसर से चंगाई मिल गई, इसका मतलब परमेश्वर ने उसकी याद की, परमेश्वर का राज्य उसके नजदीक आ गया। अभी फैसला उसके ऊपर है कि वो परमेश्वर के घर में प्रवेश करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। हालेलुया। यदि ये मनुष्य ऐसा सोचेगा कि परमेश्वर ने इस अद्भुत रीति से मुझे अच्छा कर दिया है, परमेश्वर ने मेरी याद की है और उसने मेरे ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह किया है, तो अब से मुझे अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चलना है बल्कि उसकी मर्जी के अनुसार चलना है।
जिसने मुझे ये जीवन दिया है, नया जीवन दिया है, जिसने मुझे इस बीमारी से अद्भुत रीति से अच्छा कर दिया है, उसकी इच्छा के अनुसार मुझे चलना है। मेरे जीवन में पहले जो बुरे काम थे उन सबों को मुझे छोड़ना है। मैं जिस गलत रास्ते से चल रहा था उन सबों को मुझे छोड़ना है और अभी मुझे एक अच्छा जीवन जीना है जिसके द्वारा परमेश्वर खुश हो जाएगा, परमेश्वर के दिल को खुशी हो जाएगी। यदि ये मनुष्य ऐसा सोच रहा है और उसने अपने बीमारी से चंगाई पाने के बाद सारे बुरे कामों को छोड़ दिया, गलत कामों को छोड़ दिया, सारे गलत काम बंद कर दिए, वो प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने लगा, वचन के अनुसार चलने लगा, विश्वास से एक अच्छा जीवन जीने लगा, इसका मतलब उसने परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश कर लिया है। यदि बीमारी से चंगाई पाने के बाद उसने ये सोचा अभी मेरा काम हो गया, मैंने वहां जाकर गवाही दी, लोगों ने तालियां बजाई, मैंने मेरा काम कर दिया, अभी बस हो गया, अभी मैं खुद का जीवन जी सकता हूँ, और उसने अपने गलत कामों को शुरू रखा, सारे बुरे कामों को शुरू रखा, ना प्रार्थना करता है, ना बाइबिल पढ़ता है, ना परमेश्वर का डर दिल में रखता है, ना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए कोशिश करता है, और जैसे पुराने जीवन में वो बुरे काम गलत काम किया करता था, झूठ बोलना, दूसरों को फंसाना, गालियां देना और न जाने कितने सारे बुरे बुरे काम वो अभी भी शुरू रखा है, इसका मतलब उसने परमेश्वर के राज्य के बाहर रहना पसंद किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात को ध्यान से समझ लेना कि यदि आप परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा अद्भुत रीति से चंगाई पाए हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश किया है। इतने सारे लोगों की गलत फहमी होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमको अच्छा कर दिया, इसका मतलब हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। नहीं, उसने आपको अच्छा कर दिया इसका मतलब वो उसका राज्य आपके नजदीक आ गया है। अंदर प्रवेश करना या बाहर रहना ये आपके ऊपर है, ये फैसला आपके ऊपर है। इसलिए तो कितने सारे लोग ऐसे चलते हैं, प्रभु यीशु के पास आते हैं, विश्वास करते हैं, चंगाई पाते हैं, और बाद में उनका बुरा जीवन शुरू रहता है, और उन्हें ऐसा लगता है, उनकी ऐसी गलत फहमी होती है कि हम परमेश्वर के राज्य के अंदर है। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि प्रभु आपको चंगाई देता है, छुटकारा देता है, इसका मतलब उसने आपकी याद की है, परमेश्वर का राज्य आपके नजदीक आ गया है। यदि आपने उसके अंदर प्रवेश नहीं किया, मतलब आपने आपके दिल को नहीं बदला है, आपका दिल परमेश्वर की ओर नहीं लगा है, और आप वचन के अनुसार चलने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के राज्य के बाहर है। और जो चंगाई, जो छुटकारा अद्भुत रीति से परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा आपको मिल चुका है, उसका आपको कुछ भी आत्मिक लाभ नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए कितने सारे लोग अनंत काल के नरक में यानी अग्नि में जाएंगे, जिनको इस धरती पर रहते हुए परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव हुआ था, जिन्होंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव किया था, अद्भुत चंगाई को अनुभव किया था, पर वे अनंत जीवन में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उनके निकट आ गया, उन्होंने राज्य के अंदर प्रवेश नहीं किया। कितने सारे लोगों के पास परमेश्वर का राज्य पहुंचता है और वहां से वापस निकलता है, क्योंकि लोग परमेश्वर के राज्य का अनुभव करते हैं, सामर्थ का अनुभव करते हैं, और उसके अंदर प्रवेश करना नहीं चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने साफ कहा है कि वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनको बताओ कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले पहले प्रार्थना में आते हैं, पहली बार प्रभु यीशु के पास आते हैं, जिंदगी में कभी प्रभु यीशु के पास प्रार्थना नहीं की, पहली बार प्रार्थना करते हैं और पहले ही वक्त उनके ऊपर अनुग्रह होता है, पहले ही दिन परमेश्वर उनके ऊपर दया करता है, उनको अच्छा करता है, उनके परेशानी को निकाल देता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि अभी हमारा काम हो गया, हम अपनी इच्छा के अनुसार चल सकते हैं।
आप नए नए प्रार्थना कर रहे प्रभु यीशु के पास और उसने आपको अनुभव दिया, अद्भुत काम दिखाए, इसका मतलब जान लेना आपने आपकी याद परमेश्वर ने की है। परमेश्वर का राज्य आपके नजदीक आ गया है, आपके निकट आ गया है, आपको मौका है, अभी आपको मौका है अंदर प्रवेश करने का, क्योंकि उसका राज्य आपके नजदीक आ गया है। परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, आपको उस मौके का फायदा लेकर राज्य के अंदर प्रवेश करना है या बाहर ही रहना है, यह आपके ऊपर निर्भर है। पर जितने सारे लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी प्रभु यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाएंगे, प्रार्थना का एक अच्छा जीवन जिएंगे, वचनों के अनुसार चलते रहेंगे, उनके लिए बड़ी आशा है, उनके लिए बड़ी उम्मीद है, क्योंकि उन सबों के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है कि वे उसके साथ अनंत काल स्वर्ग में रहने जा रहे हैं। जितने सारे लोग इस धरती पर परमेश्वर के राज्य का स्वीकार करेंगे, जितने सारे लोग इस धरती पर रहते हुए परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी सारी बुराई को त्याग कर, सारे गलत बातों को त्याग कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना शुरू करेंगे, उनके लिए बड़ी उम्मीद और बड़ी आशा है कि वे एक दिन स्वर्ग में पहुंच जाएंगे और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे लोग जिन्होंने धरती पर परमेश्वर के राज्य का अनुभव किया है, परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव किया है, पर वे अंदर प्रवेश करना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने बाहर रहना ही पसंद किया, उनके लिए कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनको उस नरक में जाना पड़ेगा जहां हर पापी आत्मा को जाना है और अनंत काल नरक में तड़पते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गए 2000 साल से दुनिया भर में ये चल रहा है, 2000 साल से ये चल रहा है। इज़राइल देश से उसकी शुरुआत हो गई, यह देश जो पूरे संसार के बीचों बीच है, छोटा सा देश पर परमेश्वर का चुना हुआ लाडला देश, जहां पर प्रभु यीशु इंसान के रूप में पैदा हुआ था, जहां परमेश्वर इंसान बनकर रहा था, वहां से शुरुआत हो गई। और तब से लेके आज के दिन तक 2000 साल में पूरे धरती पर ये शुरू है, हर मनुष्य के पास परमेश्वर का राज्य पहुंचता है, कोई उसके अंदर प्रवेश करते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, कोई परमेश्वर का राज्य नजदीक आने के बावजूद भी उसके बाहर रहना पसंद करते हैं और अपनी आत्मा का नुकसान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोगों को ऐसी भी आदत होती है कि कुछ बीमारी आए तो प्रार्थना में आ जाए, अच्छे हो जाए, वापस घर पे जाके बैठे, फिर से प्रार्थना में नहीं आएंगे। जब कुछ महीनों के बाद दूसरी बीमारी आएगी, फिर से प्रार्थना में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, अच्छे हो जाएंगे, फिर से घर जाके बैठेंगे। उनको ऐसा लगता है कि एक अच्छा रास्ता है, जब कोई परेशानी होती है, बीमारी होती है, तब प्रार्थना में आए, प्रार्थना करें, वहाँ के भाई बहन भी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर दया करेगा, हम अच्छे हो जाएंगे, बाद में ये सारी चीज़ों को भूलकर घर में बैठेंगे और अपनी इच्छा के अनुसार जीवन में चलते रहेंगे, दुनिया में मौज मजा करते रहेंगे। जब कुछ महीनों के बाद दोबारा कुछ शैतान का हमला होता है, कुछ बीमारी परेशानी होती है, दोबारा प्रार्थना में आ जाओ, दोबारा अच्छे हो जाओ, फिर जाके दुनिया में मशगूल हो जाओ। भाई और बहनों, ये ज्यादा समय नहीं चलते रहेगा। यदि आप परमेश्वर के पास आते हैं और प्रभु यीशु आपको अच्छा करता है या आपके परेशानी को निकाल देता है, इसका मतलब इतना ही है कि परमेश्वर का राज्य आपके निकट आ गया है। ये नहीं है कि आप राज्य के अंदर आ चुके हैं, आपको प्रभु ने चंगा किया, इसका मतलब आप स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रभु ने आपकी बीमारी को निकाल दिया, इसका मतलब आप स्वर्ग के हकदार बन गए, ऐसा नहीं है। प्रभु ने आपके जीवन में कोई अद्भुत काम किया, इसका मतलब आप स्वर्ग के लिए चुने गए हैं, ऐसा नहीं होता है। ये तब हो जाएगा जब आपने उस राज्य के अंदर प्रवेश करना चाहा हो और आपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को और अपने दिल को बदल दिया हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता है, वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनको बताओ कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। हम ऐसी भी एक घटना बाइबिल में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु एक गांव में था
वहां दिन भर उसने बहुत अद्भुत काम किए, बहुत लोगों को चंगा किया, बहुत लोगों के जीवन में अपना सामर्थ्य प्रकट किया। और दूसरे दिन वो उठकर जंगल में अकेला चला गया प्रार्थना करने के लिए, और सुबह सुबह लोग वहां इकट्ठा हो गए जहां पर प्रभु था और लोगों को चंगा कर रहा था। वहां पर लोग इकट्ठा हो गए और प्रभु को ढूंढने लगे। तभी प्रभु के चेले भी उसको ढूंढ रहे थे, क्योंकि प्रभु भोर को ही उठकर अकेला चला गया था प्रार्थना करने के लिए। चेले उसको ढूंढने के लिए निकले। जब चेलों ने उसको पाया तब प्रभु को ऐसा कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वहां गांव में लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, वहां चलो, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। तब प्रभु ने उनको कहा, नहीं, मुझे वहां नहीं जाना है, अभी हमें दूसरे गांव में जाना है, जहां आज मैंने अद्भुत काम किए, जहां आज मैंने चमत्कार दिखाए, आज मैंने उनके जीवन में मेरा सामर्थ्य दिखाया, परमेश्वर का राज्य उनके निकट आ गया, अभी उनको तय करना है, उनको फैसला करना है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर के दया का समय किसी मनुष्य के लिए हमेशा के लिए नहीं चलते रहता है। थोड़े समय के लिए वो हर एक के जीवन में वो आता है। परमेश्वर के राज्य में जो प्रवेश करते हैं उनका फायदा हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर अनुग्रह हमेशा बना रहता है। और जो उस राज्य के अंदर प्रवेश करना नहीं चाहते, बाहर ही रहते हैं, उनके कृपा का समय, दया का समय खत्म हो जाता है और वापस वे अंधकार में निकल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के घर में प्रवेश करो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सबसे पहली बात, प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के ऊपर विश्वास करो, जो उसने हर पापियों के लिए किया है। वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, उस पर विश्वास करके, पश्चाताप करके पापों की क्षमा पाओ और सारे गलत रास्तों को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना शुरू करो। बहुत प्रार्थना करो, बाइबिल पढ़ो, इन वचनों के अनुसार अपने जीवन में बदलाव करो, ताकि तुम परमेश्वर के घर में रहोगे, उसके राज्य में रहोगे, उसका अनुग्रह तुम पर बना रहेगा और ये जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश कर पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा नाम सावित्री देवी यादव है, मैं भुईसर से बोल रही हूँ। 20 दिसंबर से मेरे पेट में बहुत दर्द होता था, खाना खाने बैठती थी तो तुरंत मेरे पेट में दर्द चालू हो जाता था। उसके बाद मैं आशीष तेल लगाती थी, प्रार्थना करती थी। 25 दिसंबर को हम लोग यूट्यूब पर बरदर का प्रार्थना सुन रहे थे, तब बरदर बोले कि यहाँ एक सिस्टर बैठी है, उसके पेट में दर्द है। उसी क्षण मेरे पेट का दर्द निकल गया, जब ही से मैं आराम से हूँ। मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम राजनाथ यादव है, मैं कांदेवली से आया हूँ। मेरी गवाही यह है कि मैं एक महीने से इतना परेशान था, मेरे को बुखार चढ़ता था, उतरता था। मैं इधर लोकल डॉक्टर के पास दवा लिया, नहीं आराम होता था, तो मेरा इलाज अश्विनी अस्पताल कुलाबा में चलता है, तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ पूरा मेरा रिपोर्ट निकाले सब, और इतना बुखार, इतना खांसी, इतना दर्द था। तो वहाँ एक इंजेक्शन लगाए तो कंट्रोल किए, उसके बाद फिर सब शाम तक रिपोर्ट आया, तो बोले सब रिपोर्ट नॉर्मल है, आपको लिख के दिए कि सुबह आके कोरोना का रिपोर्ट निकालो। हम बोला ठीक है, मैं चला आया घर पे। तो घर पे मैं ऐसे बैठा था, शाम के 4 बजे सो के उठा, दर्द इतना ज़्यादा था। तो हम बोला अभी फिर मेरे को जाके एडमिट होना पड़ेगा। मेरे को ऐसा ध्यान में आया कि अभी मैं सिस्टर की प्रार्थना छुटकारे की, आधा घंटा तक मैं वही सुनते ही रहा। उसके बाद 1 घंटे तक मैं घर में दरवाज़ा बंद करके प्रार्थना में लगा रहा, लेकिन मेरे को प्रभु जी ऐसा आराम दिए कि मैं दोबारा सोच रहा था अभी हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मेरे को कोरोना चेक करके डालेंगे निश्चित, लेकिन प्रभु जी मेरे को बहुत बहुत चंगा किया। मैं प्रभु जी को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु।
मेरा नाम प्रमोद शर्मा है, मैं विरार आगासी वेस्ट से आया हूँ। मेरा एक हफ्ते पहले मुझे शाम के टाइम बहुत सर्दी हुआ था और सुबह सो के उठने के बाद सुबह उठा तो बहुत सर्दी था, नाक से मुंह से पानी जाने लगा और उसके साथ में ब्लड भी निकलने लगा। मैं बहुत घबरा गया और मैं आशीष प्रार्थना घर में प्रार्थना लिया और उसके बाद दो तीन दिन तक ऐसा ही चलता रहा। जब भी मैं थूक फेंकता था तभी मुंह से ब्लड निकलता था। फिर मैं सोचा, मेरे दिल में आया कि मैं एक बार चेक करवाऊँ, कोई तकलीफ तो नहीं हो गया मेरे को। तो मैं हॉस्पिटल में गया और रिपोर्ट निकाला, एक्सरे निकाला, डॉक्टर को दिखाया तो रिपोर्ट जो था नॉर्मल आया। और उससे पहले मैंने सिस्टर आशीष प्रार्थना घर में मैंने कॉल लगा के प्रार्थना लिया था कि प्रभु कोई भी तकलीफ मुझे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिपोर्ट जो है नॉर्मल आना चाहिए। और नॉर्मल आया और सब चीज़ ठीक है। अभी जो मैं थूक फेंकता हूँ तो उसमें ब्लड नहीं निकलता है, सब क्लियर हो गया है, इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। गांव में कुछ सब्सिडी मिलने वाला था और उसमें कुछ पेमेंट कुछ बाकी था। मेरी वाइफ ने पर्ची आशीष बेंती पेटी में लिख के डाला और प्रभु से बहुत प्रार्थना किया, प्रभु आ जाए तो पैसा जो भी बाकी था और आ गया है, सब क्लियर होगा, जिसका लेन देन था सबको देगा, क्लियर हो गया, इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम कमलेश यादव है, मैं नाला सुपारा ईस्ट में रहता हूँ, धनुबाग। सितंबर महीने में गांव से आया और आने के बाद दो ही दिन के बाद मेरा तबीयत खराब हो गया। मुझे सर्दी जुकाम बुखार और उल्टी होने लगा और मेरे पेट में गैस बनने लगा, पेट में जलन सा होने लगा और मैं बहुत परेशान हो गया। मैं गिर गया और बहुत दिन तक, 4-5 दिन तक बिस्तर पर था और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मैं उठ के चल फिर नहीं सकता था। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी और ले जाकर मुझे डॉक्टर के पास दिखाया। जब डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो डॉक्टर ने मेरा एलर्जी देखा तो एकदम डाउन हो गया था। बोला तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा, तुम्हें बोतल चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे शरीर का एनर्जी एकदम 0% हो गया है। तो मुझे डॉक्टर ने 4 बोतल चढ़ाया और 4 ग्लूकोज का बोतल चढ़ाने के बाद जो कि फिर मैं घर पे आया, थोड़ा आराम तो मिला। फिर मेरा तबीयत 2 दिन के बाद और ज़्यादा ख़राब हो गया। ज़्यादा ख़राब हो जाने के बाद मैं प्रभु से घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा था और अपने घर में, तभी मुझे एक आवाज़ अंदर से सुनाई दी, मैं तुझे चंगा करूँगा। और मैंने प्रभु की इस बात को, प्रभु की आवाज़ को मैंने विश्वास किया। मैंने टेलीफोन से प्रार्थना लिया और प्रार्थना लेने के बाद मुझे धीरे धीरे आराम होना चालू हो गया और मैं पूरी तरह से चंगा हो गया। इसलिए मैं प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, सारी महिमा यीशु मसीह को देता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरा नाम आनंद कुमार जायसवाल है, मैं दीवा में रहता हूँ। कि अगले हफ्ते में मेरे गले में दर्द हो रहा था, मेरे गले में दर्द हो रहा था, खाना भी खाता तो बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन अगले हफ्ते में फिर यहाँ मैं प्रार्थना में भाग लिया, प्रभु का मेरे ऊपर सामर्थ्य आया, बहुत जोर से सामर्थ्य आया कि मैं नीचे गिरा और उसी टाइम मेरे गले का दर्द निकल गया। इसके लिए प्रभु यीशु को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरे दांतों में, पूरे दांतों में दर्द हो रहा था, फिर घर पर गया, घर पर ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लिया और प्रार्थना के माध्यम से मेरे दांतों का दर्द निकल गया। इसके लिए प्रभु यीशु को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा बच्चा भी 10 महीने का हो गया है, वो गांव में था तो संडास कर रहा था, वो दिन में 20-25 बार करता था, कभी कभी 15-15 बार करता था, लेकिन वो लोग घर वाले सब परेशान हो गए थे। फिर उसको मैंने, अब 3 महीना हो गया मैं बम्बई में अपने बच्चों लोग को बुला लिया और यहाँ पे ऑनलाइन कार्यक्रम प्रार्थना लेता हूँ भाग। प्रभु यीशु मसीह महान सलामत और आशीष उसके ऊपर आया, बच्चे के ऊपर, कि उसका जो संडास लेटरिन कर रहा था वो एकदम बंद हो गया है। अभी वो लेटरिन करता है और आप जाने दिन में 2 बार में, पहले तो बहुत आराम हो गया। इसके लिए प्रभु यीशु को मैं दिल से धन्यवाद। मेरा नाम सुनीता राम कैलाश जायसवाल है, मैं मानखुर से आई हूँ और ये मेरी बेटी पिंकी है और मेरी इसकी ऐसी गवाही है कि इसको 1 साल से इसको फोड़ी का तकलीफ था, इसके पैर में फोड़ी आती थी
और वो फोड़ी मतलब खुजली करती थी और वो फोड़ी छोटी सी बड़ी हो जाती थी और उसमें से पस निकलने लगता था। वो ज़्यादा खुजली करती थी, उसमें खून भी निकलता था और ऐसे मतलब वो फैलते गए, बहुत ज़्यादा फैल गया। और उसको मैं चिल्लाती रही, मत खुजा, तो रोने लगती थी, बोलती थी मम्मी मेरे को बहुत खुजा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं उसको बताती थी नहीं बेटा तू तेल लगा, तेल का इस्तेमाल कर, और जब भी सिस्टर बोलती हैं कि हाथ रखो मैं बीमारी हिस्से पे, तभी हाथ रखा कर तो प्रभु अच्छा करेगा। तो बोलती थी मम्मी कर रही हूँ तो भी नहीं ठीक हो रहा, मैं बोली नहीं करते रहे, विश्वास रख प्रभु अच्छा करेगा। तो वैसे ही करते गई और अभी एक महीना हो गया, उसमें से पूरी तरह वो फोड़ी नष्ट हो गई और उसमें जो पस निकलता था वो भी निकल गया, जो खून बहता था वो भी अभी ठीक होगा, अभी पूरी तरह से वो सब फोड़ी नष्ट हो गई, गायब हो गई। इसलिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। मेरे दाएं पैर में एक छोटा सा जख्म हो गया था और उसमें खून भी निकलता था, कब मवाज भी ज़्यादा निकलने लगा था। तो जो मैं खुजलाती थी तो और निकलता था, तो जब तक खुजलाती नहीं थी तब तक ऐसे ही होता था कि खुजलाऊँ, अगर नहीं खुजलाती थी तो बहुत दर्द करता था, उसमें से मवाज ऐसे भरा रहता था। मैं जब तक खुजलाती नहीं थी तब तक बहुत दर्द करता, जब खुजलाती थी तो ठीक हो जाता था। और वैसे ही वो बढ़ने लगा और भी एकदम मेरे दूसरे पैर में भी हो गया, और दूसरे पैर में हो गया तो उसमें भी खुजलाने लगी, तो इसमें कम हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा हो गया ये पैर में, और ऐसे ही बढ़ने लगा। तो मैंने आशीषित तेल उस पर लगाया, आशीषित तेल का मैंने इस्तेमाल किया। और जब सिस्टर ऑनलाइन प्रार्थना में हाथ रखने के लिए बोलती थी अपने बीमार हिस्से पर, तो मैं उस पर हाथ रखते गई और उसकी वजह से एक महीना हो गया मेरे पैर में जो फोड़ी आई थी वो पूरी नष्ट हो गई, और अभी जरा भी मवाज नहीं निकलता है और न उसमें से जो फोड़ी थी वो बढ़ना बंद हो गया और पूरे तरह से वो ठीक हो गया। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। और अभी हम प्रार्थना लेने जा रहे हैं, अपने आँखों को बंद करो और पूरे दिल से इस प्रार्थना में भाग ले लो। हम गाना लेंगे। मन करे
तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो। दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। दिल से प्रभु का धन्यवाद करो, दिल से उसको धन्यवाद कहो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अभी पूरा दिल प्रभु यीशु की ओर लगाओ, अपनी आत्मा से प्रभु को देखो, दिल से उस पर विश्वास करो। वो जीवन का प्रभु है, वो बचाने वाला प्रभु है, वो ही मुक्तिदाता है, अनंत जीवन वो ही हमें दे सकता है। संपूर्ण हृदय से उस पर विश्वास करो। और अभी याद करो, आपके दिल में किन के लिए गुस्सा है, आप किन से नफरत करते हैं, और उनको क्षमा करो। जिनके लिए आपके दिल में गुस्सा, नफरत या बदले के विचार है, उन सबों को क्षमा करो। ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु चाहता है कि हम सबको क्षमा करें। जैसा वो हमें क्षमा देता है, वैसे हम भी दूसरों को क्षमा करें। क्षमा करो। किसी ने आपको सताया होगा, किसी ने आपका नुकसान किया होगा, आपको धोखा दिया होगा, आपका अपमान किया होगा, आपको बदनाम किया होगा, आपको बर्बाद किया होगा। क्षमा करो। यदि आप दूसरों को क्षमा करोगे तो आपके पापों की प्रभु आपको क्षमा देगा। क्षमा करो, क्षमा करो। टच, टच। और अभी खुद के पापों को प्रभु के सामने कबूल करो। नम्र बन जाओ और सारे पाप कबूल करो। कबूल करो सारे पापों को, मन में आए हुए गलत विचार, आंखों से जो गलत देखा है, जबान से जो गलत बोला है, झूठ बोलना, गालियां देना, दूसरों का मजाक करना, कबूल करो।
चोरी करना, व्यभिचार, हत्या, अहंकार, स्वार्थ, परमेश्वर को दोष लगाना, नशीले चीजों का सेवन करके खुद का और परिवार का नुकसान करना। कबूल करो सारे पापों को। जो पाप कबूल करते हैं उनके ऊपर स्वर्ग से अनुग्रह होता है। प्रभु से कहो, हा प्रभु, मैं कबूल करता हूं, मैं कबूल करती हूं, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, मुझसे कबूल है, मेरा हर पाप मुझे कबूल है। पापों को कबूल करते जाओ। टच टच, और अभी दिल से पश्चाताप करो। जो पाप हमने किए हैं उनके लिए हमें बुरा लगना चाहिए, अफसोस होना चाहिए। प्रभु आपके दिल की ओर देख रहा है, क्योंकि पश्चाताप करने वाला दिल प्रभु को अच्छा लगता है। आंसू बहाकर प्रभु से कहो, प्रभु मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, प्रभु मैं महापापी हूँ, मेरे पापों के लिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। दिल से पश्चाताप करो और अभी अपने पापों के लिए प्रभु के पास क्षमा मांगो। हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है। अपनी आत्मा की आंखों से प्रभु के क्रूस को देखो। अपने हाथों को उठाकर उसे पुकार कर कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं पापी व्यक्ति हूँ, मुझे तेरी दया की जरूरत है, मुझे तेरी दया की जरूरत है, दया कर मुझ पापी पर, मुझे क्षमा कर प्रभु, तेरे पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर, तेरे पवित्र लहू से मेरी आत्मा को धो डाल, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर प्रभु। तेरे विपर
और अभी विश्वास के साथ अपने बीमार भाग पर हाथ रखो। जहां आपको बीमारी है वहां बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है, स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहिरे सुनने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, शरीर की गांठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जखम सूख जाए, मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्जा अदा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए, जिनके परिवार में झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी परेशानी संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से शिक्षण निकल जाए, और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो, दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी आखिरी आशीषों के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ
और इसी घड़ी आप जिन चीज़ों के ऊपर आशीष चाहते हैं, जैसे कि पानी, तेल, रुमाल और किसी भी चीज़ पर आप आशीष चाहते हैं, तो उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। और अभी जिनको पवित्र आत्मा पाना है, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाना है, आप विश्वास के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। और अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। यदि आप आत्मा की मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलो। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूं। तू मेरा प्रभु है। तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूं। मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों और बहनों, आशीष प्रार्थना घर में हर शुक्रवार और रविवार एक घंटे की उपासना प्रार्थना होती है। आप उस प्रार्थना में सहभाग ले सकते हैं। दिन में 3 बार यह प्रार्थना होती है, सुबह 10 से 11 बजे तक, दोपहर 1 से 2 बजे तक और शाम 4 से 5 बजे तक। ऐसे इस प्रार्थना का समय है, सुबह 10 से 11 बजे तक, दोपहर 1 से 2 बजे तक और शाम 4 से 5 बजे तक। ऐसे इस प्रार्थना का समय है। हर प्रार्थना में हम सीमित लोगों को ही ले सकते हैं, इसलिए आप यदि इस प्रार्थना में सहभाग लेना चाहते हैं तो पहले फ़ोन पर से नाम देना ज़रूरी है। स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाया जा रहा है उस पर पहले आपको फ़ोन करके नाम देना है कि आप कौन से दिन और कौन से समय प्रार्थना में सहभाग लेना चाहते हैं। ध्यान में रखिए कि बिना नाम लिखवाए जो आएंगे उनको हम प्रवेश नहीं दे पाएंगे, इसलिए आने से पहले आपको नाम देना ज़रूरी है। और अभी हम आखिरी गाना लेंगे। दिल मेरा, मन मेरी का
मेरा जीवन बदल बदल गया।